Hello everyone, I am Dr. Simpi. Today I am going to brief about the topic which is nucleophilic substitution reaction. Before start the topic which is nucleophilic substitution reaction, the question arises what is substitution reaction. So firstly I will discuss what is substitution reaction. So, substitution reaction kya hoga? In a substitution reaction, an atom or group of atom is substituted from a substrate by atom or group of atom. What do you mean? कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज सब्स्ट्रेट. तो जो सब्स्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसमें से जो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा वो रिप्लेस होगा बाय सम अदर एटम. जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो थ्री टाइप से होती है, विच आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज when a free radical attack on the substrate, then the reaction is known as free radical substitution reaction. Similarly, if an electrophile attack, then electrophilic substitution reaction. If a nucleophile attack, then it is known as nucleophilic substitution reaction. And by attacking the free radical, it replaces the atom or group of atom from the substrate by a free radical. For example, in this case, in methane chloride, जो Cl radical ion है, it replaces hydrogen ion and it form मिथाइल क्लोराइड. सिमिलरली दिस इज ए बेंजीन, व्हेन ए नाइट्रो ग्रुप अटैक, इट अटैक एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इट फॉर्म नाइट्रोबेंजीन. इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस बाय नाइट्रो आयन. सिमिलरली इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच ए नेगेटिव चार्ज रिप्लेस ए नेगेटिव लिविंग ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल दिस बी आर इज रिप्लेस बाय दिस ओ एच नेगेटिव आयन. सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इन ए न्यूक्लियोफिलिक वी मेन फोकस ऑन द टॉपिक विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज विद एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम ए सब्स्टेट एज शोन बिलो. मीन्स क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उस पे क्या होगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज नेगेटिव चार्ज, इट रिप्लेस द एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द सब्स्टेट. हियर इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ एलजी. एलजी मीन्स लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप रिप्लेस बाय ए न्यूक्लियोफाइल. सो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन एन एटम, सो इट रिप्लेस द लिविंग ग्रुप and the product is formed this one and a living group is removed from the molecule. Based on the timing of the bond breaking and bond formation in the reaction, substitution reaction are of two type. Matlab means substitution reaction ko hum categorize kar sakte hain two ways mein, what is SN1 reaction and SN2 reaction. So let us brief SN1 reaction. SN1 means S means substitution, N means nucleophilic, 1 means unimolecular. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं SN1 रिएक्शन. SN1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली सब्स्टेट एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल लें, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल इज OH नेगेटिव आयन. अब इसमें क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा बट नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल. सो इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन गिव टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल एंड ए ब्रोमाइड आयन इज रिलीज. दिस इज ए SN1 मैकेनिज्म. अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिपेंड ओनली ऑन वन मॉलिक्यूल विच इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. सो इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज. इफ वी डबल द रेट ऑफ डबल द अमाउंट ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो गोट डबल. बट इफ वी
half the concentration of tertiary butyl bromide, then the rate of reaction is also half. So it means a rate of reaction depend only on one molecule, so it is known as unimolecular reaction. Okay, and it is also known as first order reaction. First order reaction kya hogi, this pe rate of reaction depend only on one molecule, concentration of one reactant molecule, so it is known as first order reaction. And here K is rate constant for the first order reaction. This is the rate of reaction of the nucleophilic substitution reaction. If we want to see the mechanism of SN1 reaction, so the mechanism of SN1 reaction completed in two steps. First step, there is a formation of a carbocation. ठीक है, and the breaking of a carbon halogen bond. In this case, this group is replaced by hydroxide ion. Okay, so in this case, this bromide ion is a living group. Firstly, there is a heterolytic bond cleavage. Heterolytic bond cleavage means bromine is a क्या होगा highly electronegative in comparison to that of carbon. So it carries a negative charge and carbon carries a positive charge. So it form a like a this carbocation and a bromide ion is released. And this is the slowest step. So as all of us know that slowest step is the rate determining step. So this step is the rate determining step. So this is a slowest step and there is a formation of carbocation in this step. So there is bromide ion is a leaving group which live and there is a formation of a carbocation. In carbocation there is a sp2 hybridized carbon atom is formed. This is a tertiary carbocation because it contains 3 methyl groups, so it is a tertiary carbocation. This is the first step kya hua, in which there is a heterolytic bond cleavage, so there is a formation of a carbocation. इसका क्या हिंदी में अगर हम समझना चाहे तो क्या होगा, ये दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और बीआर पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसमें क्या होगा, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा. एंड ये जो स्टेप होता है ये क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप. सो इट इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. नाउ इन द सेकेंड स्टेप द न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, रेपिडली अटैक ऑन द कार्बोकटाइन. It either attack from the front side or from the back side. So there is a formation of a mixture of compound which is known as racemic product. So there is formation of racemic product. जैसे देखिए कार्बोकटाइन है, either attack from this side or from this side. अगर if it attack from the back side, then this product is formed, inversion of configuration. If attack from the front side, then this type of product is formed. And this is a first step, so it is not a rate determining step. First step is the rate determining step, means rate of reaction depend upon the concentration of only one reactant molecule, which is tertiary butyl bromide. If the leaving group depart from the substrate, exists in the form of ion pair in the carbocation, partial racemization occur. Means क्या हो गया कि जो main basically यही याद रखना है आपको कि SN1 reaction में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या अटैक कर सकता है, फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए रेसमिक मिक्सचर. इफ वी वांट टू सी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, देन फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकटाइन मीन्स एज वी नो दैट टर्शियरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन ऑफ मिथाइल. So the stability of carbocation is tertiary, secondary, primary and methyl. और alkyl halide भी देखेंगे तो कौन सा ज्यादा stabilized होगा, tertiary halide, then secondary, then primary and then methyl halide. So SN1 reaction जो होगी सबसे ज्यादा किस में होगी, tertiary halide में. And primary alkyl halide and methyl halide जो होते हैं does not take place SN1 reaction. SN1 reaction does not take place with methyl or primary alkyl halide. Okay? तो ये क्या मतलब हुआ, अगर हम order of reactivity देखें SN1 reaction की, तो क्या होगा order of reactivity, tertiary alkyl halide सबसे ज्यादा stable होता है. क्यों? क्योंकि वो tertiary carbocation बनाएगा. And हमें पता है कि tertiary carbocation is more stable than that of secondary, which is more stable than that of primary, and which is more stable than that of methylic radical. अब SN1 कंप्लीट हुआ, नाउ द नेक्स्ट इज SN2 रिएक्शन. SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. सो इट इज नोन एज SN2 रिएक्शन.
SN2 रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल. ये क्या होगा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन. जैसे एग्जांपल दे रखा है, रिएक्शन बिटवीन द मिथाइल ब्रोमाइड एंड द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसमें क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल एंड द ब्रोमाइड आयन इज रिलीज. सो इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन. सो वेयर के इज रेट कॉन्स्टेंट एंड रेट डिपेंड अपॉन टू कंसेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सो इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, जैसे वो फर्स्ट ऑर्डर थी तो ये क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर. सो इट इज नोन एज बायो न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर रिएक्शन. और इसमें क्या होगा, अगर हम कंसंट्रेशन मिथाइल ब्रोमाइड की बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर हाइड्रोक्साइड की बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर इनमें से किसी की भी कंसंट्रेशन को अगर हम हाफ कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा. तो SN2 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, सो इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अगर हम मैकेनिज्म देखें SN2 रिएक्शन, जैसे SN1 रिएक्शन में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन इट कंप्लीट ओनली इन वन स्टेप बट देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन दिस स्टेप. जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, लिविंग ग्रुप वहीं से जाएगा, बट देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट. तो ये कैसे लिखा है, देखिए, द रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप, न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लिविंग ग्रुप रिजल्टिंग इन द डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप. इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम दैट ऑफ लिविंग ग्रुप. जैसे लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमाइड आयन, और हाइड्रोक्साइड अटैक कर रहा है वो फ्रॉम बैक साइड, एंड देर इज ब्रोमाइड आयन फ्रॉम द फ्रंट साइड लिविंग ग्रुप हो गया. तो इसमें क्या होगा, ये बट देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट, सो दिस इज ए ट्रांजिशन स्टेट. जैसे ये क्या हो गया, यहाँ देर इज ए वीक फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन सी एंड ओ एच एंड वीक पार्शियल ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड विच इज सी बी आर. तो ये देखिए, थ्री हाइड्रोजन एंड कार्बन, इन दिस केस देर आर थ्री हाइड्रोजन एंड कार्बन इन द सेम प्लेस एंड ओ एच एंड बी आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड जो हाइड्रोक्साइड आयन इज पार्शली फॉर्म्ड एंड द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन इज पार्शली ब्रोकन. ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, बॉन्ड जो होगा कार्बन और हाइड्रोक्साइड में वो तो क्या होगा, पार्शली बन जाएगा, और कार्बन और ब्रोमाइड में जो बॉन्ड होगा वो पार्शली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. सो इन द फाइनल स्टेप, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, OH इसमें लग जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो देर इज ए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इन्वर्जन मतलब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो प्लस था तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एंड द लिविंग ग्रुप लीव द मॉलिक्यूल. सो इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन. अगर हमने यहां पर तो क्या लिया है, मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, यहां पर अगर हम क्या ले लें, कुछ बल्की ग्रुप ले लें, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहां न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहां पर डी मीन्स इट इज ए आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विच इज ड्यूटीरियम एंड आर इज एल्काइल ग्रुप. न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड ब्रोमीन इज रिप्लेस. सो देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए फर्स्टली देर इज ए ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन एंड ब्रोमाइड आयन इज रिलीज्ड. अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें इन SN2 रिएक्शन, इट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ SN1 रिएक्शन. इन SN1 रिएक्शन टर्शियरी हैलाइड इज मोस्ट स्टेबलाइज, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल. बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन देर इज जो स्टेबिलिटी है मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी. व्हाई अपोजिट ऑर्डर फॉलो, बिकॉज इफ देर इज ए स्टीरिक हिंड्रेंस द न्यूक्लियोफाइल नॉट एबल टू अटैक ऑन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. बिकॉज क्या होगा, अटैक ऑफ द कार्बन साइट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन स्टीरिंग इफेक्ट एंड कंसोलिडेटेड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखिए, यहां पर ये मिथाइल है, मिथाइल ब्रोमाइड है, तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दीज आर नॉट बल्की ग्रुप. सो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड आयन इजिली इस पे अटैक कर देगा. बट इज देर क्या होंगे, अगर मिथाइल ग्रुप लगे हो CH3 CH3 CH3, देन देयर इज ए स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहां पर क्या होगा, कार्बन 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 उनके बीच में रिपल्शन होगी और हाइड्रोक्साइड जो होगा इतना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा कि वो उसमें अटैक नहीं कर पाएगा. सो मिथाइल ब्रोमाइड जो होगा उसमें ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड की एक्टिविटी सबसे कम होगी. ओके, अब है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. तो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट.
सेकेंड वन नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, थर्ड वन इज सॉल्वेंट एंड फोर्थ वन इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. मीन्स सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट. तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब कैसी स्ट्रक्चर है. जैसे अभी हमने पढ़ा अगर हम SN1 रिएक्शन लेंगे तो उसमें क्या होगा, टर्शरी जो एल्काइल हैलाइड होगा वो मोर स्टेबल होगा, एंड इन केस ऑफ SN2 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल एंड मिथाइल इज मोर स्टेबल मिथाइल हैलाइड. सो द ऑर्डर इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट में क्या होगा, यही लिखेंगे टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल. एंड इन केस ऑफ SN2 देयर इज मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मिथाइल हैलाइड. अभी हमने ये डिस्कस किया है तो पहला पॉइंट हुआ. फिर नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल का कैसा नेचर होगा देखिए. न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल डज नॉट पार्टिसिपेट. अब SN1 रिएक्शन में क्या, न्यूक्लियोफाइल डज नॉट पार्टिसिपेट, सो देयर इज अनअफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इन SN1 रिएक्शन. बट इन केस ऑफ SN2 इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. और क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे मोर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, मोर पावरफुल देन इट्स कंजुगेट एसिड. अब ये मैंने कंजुगेट पेयर दिखा रखा है ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए व्हाट इज कंजुगेट एसिड एंड व्हाट इज कंजुगेट बेस. फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड अमोनिया, इन दिस केस अमोनिया इज ए बेस एंड वाटर इज ए एसिड. अब जो एसिड होगा, एसिड जो है वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन को लूज करेगा तो ये क्या बना देगा, OH नेगेटिव आयन. बेस क्या करेगा, देयर इज एडिशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, जैसे NH4 था या तो क्या हो जाएगा इसमें NH4 प्लस. तो ये क्या हुआ, एसिड था, एसिड ने क्या बनाया, OH नेगेटिव. तो एसिड जो होता है उससे अपोजिट क्या बनता है, उसका कंजुगेट बेस. तो कंजुगेट बेस इज OH माइनस एंड दिस इज ए बेस सो इट फॉर्म कंजुगेट एसिड. तो इट इज अमोनियम आयन इज कंजुगेट एसिड. ठीक है, तो इसमें हमने बता रखा है देखिए, OH नेगेटिव आयन इज मोर पावरफुल देन वॉटर. OH नेगेटिव आयन जो होगा मोर पावरफुल देन वॉटर. क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, एसिड का कंजुगेट बेस है. तो यही लिखा है, मोर नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन इट्स कंजुगेट एसिड. जो मोर पावरफुल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो क्या एक्ट कर पाएगा, एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल. अगर आप ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देखें तो कैसे होगा, NH2 नेगेटिव सबसे अच्छा होगा, फिर OR नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, देन अमोनिया, फ्लोराइड, वॉटर, टर्शरी हैलाइड, देन दिस आर द ऑर्डर ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. और अगर हम फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में देखें तो क्या होगा, आयोडाइड सबसे ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइलिक अटैक, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड आयन. तो ये क्या हो गया, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कैसा इफेक्ट पड़ेगा. एज हमने मैकेनिज्म में देखा कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन एंड देयर इज ए हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, सो देयर इज ए पोलरिटी फॉर्मेशन. सो SN1 रिएक्शन इज पोलर, सो देयरफॉर पोलर सॉल्वेंट विल स्टेबलाइज इट एंड लोअर इट्स एक्टिवेशन एनर्जी. अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे जैसे वॉटर लेंगे तो वो क्या करेगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा. क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है जिससे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है. पोलर जनरेट होता है तो इसमें पोलर सॉल्वेंट ही ज्यादा इस रिएक्शन को स्टेबलाइज करेगा. बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए, देर इज नो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन टेक प्लेस, देर इज अ ट्रांजिशन स्टेट. सो इन दिस केस नॉन पोलर SN2 रिएक्शन इज नॉन पोलर, सो नॉन पोलर सॉल्वेंट विल स्टेबलाइज इट एंड लोअर इट्स एक्टिवेशन एनर्जी. तो SN2 फेवर नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड SN1 फेवर पोलर सॉल्वेंट. द लास्ट वन इज नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप. अब लिविंग ग्रुप के नेचर पे कैसे होगा देखिए, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इज रिलेटेड टू हाउ स्टेबल इट इज एन अनायन. मतलब अगर मान लो ज्यादा स्टेबलाइज अनायन होगा तो वो क्या होगा, आसानी से वो जो होगा लिविंग ग्रुप उसे लीव नहीं करेगा मॉलिक्यूल को. पुअर लिविंग ग्रुप फ्रॉम द अनायन ऑफ पुअर मॉडरेट स्टेबिलिटी. क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप फॉर्म आयन ऑफ पुअर टू मॉडरेट स्टेबिलिटी. जैसे एग्जांपल देखें अगर हम, इसमें क्या होगा देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा देखिए, इसमें मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी एज लिविंग ग्रुप फॉर्म द मोस्ट टू लीस्ट स्टेबल. ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप दे रखा है. वॉटर विच इज लेस बेसिक देन हाइड्रोक्साइन आयन इज बेटर लिविंग ग्रुप. जो वॉटर होगा वो बेसिक कम है जिसके कारण वो क्या होगा, आसानी से लिविंग ग्रुप एक्ट कर पाएगा. लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड आयन देखें तो हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वो इट इज ए नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप. जैसे अब हमने किया था उसमें हाइड्रोक्साइड का अटैक किया था ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या था, एक अच्छा लिविंग ग्रुप था. और हाइड्रोक्साइड आयन अगर उसमें पहले लगा होता और ब्रोमीन से अटैक करते तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी.
तो इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप का क्या होगा, देखिए NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, देन दिस फ्लोराइड, क्लोराइड, वाटर, तो क्या होगा सबसे ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा इनमें देखें तो वाटर होगा, देन क्लोराइड, देन क्लोराइड, देन हाइड्रोक्साइड, देन ये मिथॉक्सी ग्रुप, एंड देन दिस वन इज NH2 नेगेटिव. तो दीज आर द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप. ओके, अगर अब हम कंपेरिजन करें बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट में क्या होगा, SN1 रिएक्शन लिखा है एंड SN2 रिएक्शन. रेट लो के अकॉर्डिंग SN1 क्या होगी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, SN2 क्या होगी, बायोमोलिकुलर रिएक्शन. रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन देखें, इसमें क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी इन केस ऑफ SN1, एंड इन केस ऑफ SN2 इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सॉल्वेंट में इट इज ए पोलर सॉल्वेंट एंड इट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. न्यूक्लियोफाइल, इसमें अटैक करने के लिए क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखें तो SN1 रिएक्शन में फ्रंट साइड भी अटैक हो सकता है, बैक साइड भी, जिसके कारण मिक्सचर फॉर्म होता है विच इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन, जिसके कारण रिटेंशन भी रह जाता है और इन्वर्जन भी बन जाता है. बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन देर इज अटैक ऑफ बैक साइड, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम द बैक साइड, सो देर इज इन्वर्जन टेक प्लेस ऑफ द मैकेनिज्म. ठीक है, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें क्या होगा, इन्वर्जन होगा इन द केस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री. सो होप कि आपको ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से समझ आई होगी. तो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.